आज का पहला सवाल देखते हैं। सर, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो पहले से किसी और के साथ रिलेशन में है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसी लड़की को पटाने का कोई तरीका हो तो बताए। देखो, ईश्वर ने हमें अधूरा बनाया है, सो लड़के को लड़की और लड़की को लड़के को अपनाना होता है। अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि ईश्वर ने आपके लिए कोई स्पेशल किसी को बनाया होगा। आपको एक समय में दो या तीन लोगों से प्यार हो सकता है। अगर जोड़िया ईश्वर बनाकर भेजता तो कोई सिंबल या मार्क होता। दुनिया में जिससे भी प्यार हो जाए बस उसे अपना बना लो और उसको साबित करो यही है तुम्हारा सच्चा प्यार था। आपने मेंशन किया है कि वो पहले से कमिटेड है और सांस्कृतिक परिवेश की वजह से बहुत ही रिजर्व रहती है, बहुत ही कम बाहर निकलती है। आपने जैसे बताया लड़का लड़की से 8 साल बड़ा है, वो उस टाइप की लड़की भी नहीं है कि वो ब्रेकअप कर ले। लड़का लड़की से 8 साल का बड़ा है तो लड़का आसानी से लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। वो लड़की का बड़े प्यार से केयर करता है, लड़की भी उसके साथ सेफ फील करती है। यही रीज़न है कि आप उसे शादी करना चाहते हो, आप उससे प्यार करते हो। लड़की में एक सेंस होता है जिससे उनको आपके फीलिंग के बारे में पता चल जाता है। सो सबसे पहले ये सोचना बंद करो कि आप उसे प्यार करते हो और उसे शादी करना चाहते हो। लड़की को पहले कंफर्टेबल करो। देखो, सिचुएशन कैसा है, अगर वो आपसे प्यार करती है तो भी बहुत सारा हिम्मत होगा अपने रिलेशन को तोड़ने के लिए। सच ये है कि आप सोशल बातचीत या लोगों के बीच सुनकर निकले तैयार होना चाहिए, लड़की को पटाना आसान होगा। देखो, हम भारत जैसे देश में रहते हैं, यहाँ लड़कियों को दबा कर रखा जाता है, इसलिए लड़कियाँ समाज, परिवार और खुद के इमोश को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपने बताया लड़का लड़की से 8 साल बड़ा है, पर आपने कहीं ये नहीं बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही कम संभावना है कि उनका ब्रेकअप हो और वो आपके साथ प्यार करें। लेकिन ऐसी लड़की का ब्रेकअप करना आसान होता है क्योंकि वो हमेशा घर के अंदर रहती है। आप उसे बाहर के बारे में कहोगे, वो जो भी वो कहोगे वो मान जाएगी। एनीवे, अब हम देखते हैं ब्रेकअप कैसे किया जाता है। पता लगाओ लड़की लड़के में क्या पसंद करती है, किस लड़का किस टाइप का है, क्योंकि आपको भी वही करना है जो वो लड़का करता था। उसके साथ रहने की कोशिश करो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो। अगर आप उसके लाइफ में इंटरेस्ट दिखाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रहने की कोशिश करेगी। एक बढ़िया तरीका है, आप जिस लड़की के बारे में सब कुछ जान लेते हैं वो लड़की आपकी दीवानी हो जाती है। सो यही तरीका अपनाना है, उसके सारे सीक्रेट जान लो, उसके हालचाल, उसके परिवार के बारे में, उसके सारे प्रॉब्लम, उसके सारी खुशियों के बारे में जान लो, वो आपकी दीवानी हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप उसके प्यार का इजहार नहीं करेगी। देखो, जैसे लड़कों को अपने फ्रेंड से प्यार हो जाता है वैसे ही लड़कियों के साथ भी होता है, पर वो इस बात का इजहार नहीं करती। अभी देखना है उसे आपके साथ अच्छा लगेगा या वो आपके साथ रहना चाहेगी। दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई दूसरा लड़का बर्दाश्त कर सके। देखना, लड़का आपसे जलन शुरू कर देगा और वो लड़की को टॉन्ट करेगा। लड़कियां इस मामले में कंफ्यूज होती है कि किसका साथ देना चाहिए, वो आप में और उस लड़के में कंपेयर नहीं कर पाएगी। लड़कियां प्रेजेंट में सोचती है, वो ये भूल जाएगी कि उस लड़के ने उसके लिए क्या किया या उससे वो प्यार क्यों किया। लड़कियां बेवजह प्यार कर लेती है, वो अभी एट प्रेजेंट कंपेयर करेगी कौन अच्छा है। फिलहाल वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है तो आपको ही चूज़ करेगी। उसे उसकी ज़िंदगी के बारे में बताओ कि वो क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए था। देखो, लड़कियां बहुत बार अपने सपनों का सेक्रीफाइस करती है, वो क्या बनना चाहती है ये फैमिली प्रॉब्लम की वजह से छुपा जाती है। आपको उसके सपनों के बारे में काम करना होगा। उसे स्टोरी बताओ कि फलाना लड़की ने नेशनल लेवल चैम्पियन बनी। उसे इनक्रेज करो कि वो क्या बनना चाहती है, उसका हेल्प करो। देखो, लड़कियों का प्यार दिल से शुरू होता है और उसे दिमाग पर अटक जाता है। वो प्यार तो कर लेती है लेकिन वो ये सोच नहीं पाते कि आगे करना क्या है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो बॉयफ्रेंड से पूछती रहती है शादी कब करोगे।
यही एक तरीका है कि लड़की को ज़्यादा टाइम तक अपने पास रखने का। शादी तो उसे किसी भी लड़के से करना होगा, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, करियर एंजॉयमेंट फ्यूचर शादी, तो वो आपसे जुड़ना चाहेगी। ये ऑप्शन बड़ा होता है किसी भी लड़की का ब्रेकअप करने का। उसे बुरी बुरी कहानियाँ सुनाओ कि जिन लड़कियों का करियर सेट नहीं होता शादी के बाद उनके साथ क्या होता है, पर उसे कभी ये मत कहो कि तुम शादी के खिलाफ हो। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आपने वो कहानियाँ कहीं सुनी हो। हर लड़के में एक ना एक कमज़ोरी होती है जो लड़की पसंद नहीं करती, जैसे अल्कोहल, गैम्बलिंग। आप समझ पा रहे हो मैं किस बात में बात कर रहा हूँ। उस लड़की की सारी कमज़ोरी के बारे में पता लगा लो, उसे लड़की से बात करो, सिर्फ बात करो, जजमेंट मत दो। आपने देखा होगा जैसे ही हमें कोई लड़की पसंद आती है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि लड़की को पटाया कैसे जाए, उसे कौन से पार्क में घुमाना है, या किस टाइम पे वो अवेलेबल होगी, किस टाइम में उसे प्रपोज़ करना है। पर लड़कियाँ इससे अलग सोचती है। उसे अगर कोई लड़का पसंद आता तो सोचती है कि हमारी शादी कैसे होगी, क्या ये मेरा साथ देगा, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, क्या ये एक अच्छा बाप बनने के लायक है, क्या ये मेरे बच्चों को परवरिश दे पाएगा। सो इसके पहले आपने उसका ब्रेकअप किया, उसे करियर का गाइडेंस किया, उसे सही रास्ता दिखाया, आपने मुश्किल में उसका साथ दिया, तो वो समझकर आपसे ही शादी करेगी, ब्रेकअप भी कर लेगी और आपसे शादी भी करेगी।